हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे हर नए वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने PDF फाइल खोल रखा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अंसारी नगर नई दिल्ली, नहीं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मेडिकल साइंस। आप इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न शहरों में जैसे एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, इन जगहों पर रिक्तियां ओपन हुई हैं, जो टोटल 2000 रिक्तियों के बराबर हैं, जो घट बढ़ भी सकती हैं। जैसे देख सकते हैं आप, एम्स भोपाल में सामान्य वर्ग के लिए 303 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 162 पद, अनुसूचित जाति के लिए 90 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 पद, टोटल 600 रिक्तियां हैं। एम्स जोधपुर में 600 रिक्तियां हैं और सेम है भोपाल जैसा, भोपाल में सामान्य वर्ग के लिए 303, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 162, अनुसूचित जाति के लिए 90, अनुसूचित जनजाति के लिए 45। इसी तरीके से पटना में 500 सीटों पर रिक्तियाँ ओपन हुई हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 252 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 135 और अनुसूचित जाति के लिए 75, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 पद रिक्त हैं। एम्स रायपुर में 300 रिक्तियां ओपन हुई हैं, जिसमें 151 सामान्य वर्ग के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 81 और अनुसूचित जाति के लिए 45, अनुसूचित जनजाति के लिए 23। फ्रेंड्स, पद है नर्सिंग ऑफिसर का, ग्रेड सेकेंड है, ग्रुप बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे आपका सेलेक्शन होना है। बेसिक ग्रेड पे है 9300, जो 34800 तक का होगा, जिसमें आपको ग्रेड पे दिया जाएगा 4600 रुपये का। आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 7 इन मैट्रिक्स, इन द पे मैट्रिक्स, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 99300 और ग्रेड पे ऑफ रुपीज़ 4600 रुपीज़। फ्रेंड्स, आइए आपको मैं शैक्षिक योग्यता के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। आप BSc ऑनर्स अगर हैं नर्सिंग में, या BSc नर्सिंग किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किया हुआ हो, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सेम जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम, 50 वेटेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव। ये आपका 1 या 2, इन दोनों में से जो भी आपकी योग्यता, अगर आप इस योग्य हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस है जनरल यानी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1500 रुपये हैं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 1200 रुपये हैं। इसी प्रकार से पर्सन जो डिसेबिलिटीज हैं, दिव्यांग जन लोग हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में जो आप पेमेंट करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनके द्वारा सुविधा उपलब्ध है। एज लिमिट आपकी न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है। आयु की गणना आपकी जो क्लोजिंग डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2018 से की जाएगी। आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो आपको 29/10/2018 से गणना करनी, एक भी दिन आपका 30 ईयर से ऊपर होना चाहिए, 30 से नीचे ही होना चाहिए। रिलैक्सेशन भी है आपका, देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राई कास्ट के लिए 5 साल का है, यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल का है और फिजिकल इंडिपेंडेंट दिव्यांग जनों के लिए 10 साल का है। इसी तरीके से PWD प्लस OBC, जो OBC के दिव्यांग जन है उनको 13 साल है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग जनों के लिए 15 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको जो भी छूट अगर चाहिए हैं तो आप यहां से देख सकते हैं।
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट के लिए देखिए 5, 8, 10 तक आपको जो है आयु में छूट मिलेगी। आप इसे ध्यान से पढ़ लें और अगर आपकी एज ओवर हो चुकी है तो आप इसमें रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख लीजिए डेट ऑफ अपलोडिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो 12 अक्टूबर 2018 को अपलोड होना है, और डेट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा 7/12 यानी 7 दिसंबर 2018। इसी तरीके से जो रिजल्ट आपका आउट होगा वो 18 दिसंबर 2018 को रिजल्ट आउट होगा। और एग्जामिनेशन मेजर सिटीजन इंडिया जितने भी मुख्य शहर हैं भारत के वहाँ पे एग्जामिनेशन होने हैं। एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पे आ जाएगा www.aimsexams.org पे, यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, जो कि जो है आपको डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप यहाँ दे सकते हैं 29 अक्टूबर, जो मैं पहले बता चुका हूँ 29 अक्टूबर 2018 को 5:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अधिक से जल्दी इतना जल्दी हो सके आप इस पे अप्लाई कर दें अगर आप एलिजिबल हैं तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इमेजेस, जो आप इमेज अपलोड करेंगे उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए, थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर आपका कैसा होना चाहिए, ये आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप नर्सिंग स्टाफ में अगर इस पद में अप्लाई करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो अभी ओपन नहीं हुई है, वो जब ओपन होगी मैं आपको इसमें डिटेल बता दूंगा। फिलहाल आपको तैयार रहना है या www.aimsexams.org वेबसाइट बराबर देखते रहिए, लिंक ओपन होते ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म द एस्पायरिंग अप्लीकेंट सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट दियर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन एम्स वेबसाइट www.aimsexams.org फ्रॉम 8 अक्टूबर 2018 यानी आज से 3 दिन के बाद 29 अक्टूबर 2018 तक ये शाम के 5 बजे तक ये उपलब्ध है 29 अक्टूबर 2018 तक। यानी इसका जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सुविधा जो है वो 8 अक्टूबर 2018 से शुरू होगी ये प्रक्रिया। आप इसके लिए तैयार रहें, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको जरूरी है वो फोटोज से ये सब आप अपने पास रख लें, और उसके बाद 8 तारीख को जब इसमें आपको इस वेबसाइट पे जाना है aims.exams.org में और आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण साबित होगी और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, आपके कैरियर की शुरुआत अच्छी रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर अवश्य क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों।